हाय दोस्तों, कैसे हैं? 17 मई 2019 है, फ्राइडे का दिन है। आज एक्सपायरी होगी अपनी निफ्टी, और निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया 29,450 पे दिया। 28,881 का ओपन था, हाई बनाया 29,569, लो बनाया 28,856 और 29,450 पे क्लोजिंग दिया। इसमें सरप्राइज चीज़ में क्या बता रहा, कुछ भी नहीं। 594 पॉइंट का चेंज था, 2.06% का चेंज था। एडवांस 11, डिक्लाइन 1 है। जो डिक्लाइन है वो यस बैंक है, जो बताने वाला हूँ वो आगे के लिए। रिजल्ट किसका आएगा आज, क्यों नहीं बैंक, क्यों बैंक निफ्टी सरप्राइज लास्ट मोमेंट में अप लिया, इसको 29,200 पे बहुत बड़ा रेसिस्टेंस था उसको क्यों क्रॉस कर गया, पुट की वैल्यू क्यों नहीं बढ़ रही है। पुट में जाएंगे तो देखेंगे पुट में उतनी वैल्यू नहीं बढ़ रही है जितनी मार्केट बढ़ी। 500-594 पॉइंट बढ़ने के बावजूद पुट की जो वैल्यू बढ़ रही है आप देखेंगे तो 100-150-200 पॉइंट की ओर बढ़ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है कि पुट की ओर इतना अभी भी लोग कायम क्यों हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको अपडेट होगा। डाउ जोन्स देखेंगे तो डाउ जोन्स अभी भी एक न्यूट्रल में चल रहा है, 24 पॉइंट से अप दिखा रहा है, तो आपका भी बैंक निफ्टी अप था। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में आप देखेंगे 29,198 के स्टॉप लॉस से आप बाइंग पोजीशन में इस पे बने रहिए। 29,200 का लेवल तोड़ता है तो पहला 28,400, फिर वहाँ से 28,000 और फिर 28,000 तोड़ता है तो 27,500 तक जाते हुए आपको दिखेगा। 15 मिनट के चार्ट पे देखिए तो यहाँ पे एक निगेटिव पैटर्न बनाया हुआ है, तोड़ते हुए स्टॉक RSI बना रहा है, लेकिन हो सकता है कि लास्ट प्रॉफिट बुकिंग का भी संकेत हो, इसलिए मैं इसको ज़्यादा ये नहीं देख रहा हूँ। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं इसने एक अच्छे लेवल को जो क्रॉस किया है वो था 29,200। इस लेवल को जो इसने क्रॉस किया है ये बहुत ही अच्छा है, और आप देखेंगे एग्जैक्ट इसने यहाँ पे 1:30 के आसपास यहाँ से क्लोजिंग लिया था और यहाँ से ऊपर की ओर जाते हुए ये गया था 17 मई को था क्रॉस किया था। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो ये जो यहाँ पे था वहाँ पे था 17 मई को था, 9:30 बजे था, और यहाँ पे 10:45, 29,182 एग्जैक्ट 1 बजे के आसपास लगभग ये यहाँ से क्रॉस किया। तो यहाँ पे इंडिसेसिव कैंडल बना और यहाँ से फिर ये क्रॉस किया तो रुका नहीं, वो बढ़ता गया और आप देखेंगे ऊपर 29,450 लास्ट 29,450 पे जाके क्लोजिंग दिया। अगर मैं इसको निफ्टी को अगर मैं देखने की कोशिश करूँ इसको मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे देखूँ तो वीकली बेसिस पे देखेंगे तो ये कि यहाँ पे एक फॉल था जिसको यहाँ ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है ये एक ऊपर उठ जाए और आपको 29,700 जो 29,600 या इसका अपर साइड ले ले 29,800 तक ये आपको जाते हुए दिखाए, लेकिन आपको कॉशियस पोजीशन, ये मेरे अंदाज से 30,000 क्रॉस इसे नहीं करेगा। ये टेक्निकल यहाँ पे भी आप देखेंगे वीकली बेसिस पे भी एक यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे की ओर पोजीशन दिखा रहा है, मीन्स डाउन पोजीशन दिखा रहा है, अभी अप रहेगा, हो सकता है कल आपको मंडे को ये अप होते हुए दिखाई दे। मेरे अंदाज से अगर ये अप जाता है तो ये एक धोखा है, कहीं ना कहीं मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, तो एक न्यूज ओरिएंटेड जितना जाना और जाएगा और उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को आएगी। तो पुट पे पोजीशन बनाना, जितना ये ऊपर जाता है उतना आपको अच्छा रहेगा पुट पे पोजीशन बनाना, लेकिन बेहतर होगा तब जब ये नीचे की ओर एक बार ट्रेंड ले तो, या 29,700-800 के आसपास शायद जाए वहाँ पे आप पुट का पोजीशन लेंगे। 3 पोजीशन आपको शायद क्रिएट करनी पड़ सकती है, तो वहाँ पे अगर पोजीशन क्रिएट करते हैं पुट का तो शायद आपको फायदा देखते हुए होगा। अभी तक मैं बैंक निफ्टी आपको बेरिश था, निफ्टी पे बेरिश था, दोनों पे था, आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, और अगर कोई भी रहे होंगे तो उसमें अच्छा खासा आप लोगों ने ट्रेड किया होगा और पैसा भी बनाया होगा। वापस मेरी वही ओपिनियन है, मेरी कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो व्यू है ओपिनियन है मंडे के लिए हो सकता है, क्योंकि आपको तब तक कल इलेक्शन होने के बाद, संडे को इलेक्शन होगा और इलेक्शन होने के बाद 19 तारीख की लास्ट है, उसके बाद मंडे को कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल आएगा और पहला इफेक्ट आपको मंडे को ओपनिंग में मार्केट खुलते ही दिखेगा। हो सकता है ये ऊपर 29,800 की ओर जाए, जिस ओर मार्केट जाएगा उससे आपको वो अपोजिट साइड में डायरेक्शन बनाएंगे तो इंट्राडे में फ़ायदा होगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी और नीचे आपको जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो पुट की वैल्यू या कॉल की वैल्यू बहुत हाई दिख रही है, तो आप इसे वॉचलिस्ट रखें और जब तक आपके रेंज में नहीं है तब तक नहीं भी पोजीशन बनाएंगे तो वो बहुत बड़ा कुछ नहीं चला जाएगा लास्ट वीक में। लेकिन अगर बनाना ही है आपको और आप रिस्की ट्रेडर हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं रिस्की, तो
तो पुट की ओर पोजीशन बनाइए, जितना अप जाता है आप पुट की ओर पोजीशन बनाइए। मुझे लगता है यहाँ पे कि ये इसको क्रॉस कर सकता है, इसको क्रॉस करते हुए ऊपर जा सकता है, और 29822 का जो लेवल है ये अगर टच करता है तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। ऊपर जाके आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 29200, 29198 का जो बताया आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, वहाँ पे आपको वो मेंटेन करना है तो आप फायदे में है। अगर मंथली बेसिस पे देखें, ये ऐसा क्यों ओपिनियन है, तो यहाँ पे मंथली बेसिस पे देखें तो यहाँ एक बार था जो ऊपर की स्टॉकिस तो ऊपर की ओर बता रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक हैमर पैटर्न है। और आप देखेंगे जहाँ खुला था 29661 पे ओपन हुआ है और आज 29450 पे है, तो कहीं ना कहीं ये पहले तो इंडिसिसिव कैंडल बनाने के लिए 29661 पे ही जाएगा, तो एक बार तो 29661 वापस ये टच करेगा और उसको क्रॉस करते हुए ऊपर भी जा सकता है। हो सकता है आपको इस कैंडल को, मुझे नहीं लगता है कि इसको क्रॉस करना चाहिए, लेकिन इसके मिड में भी जाता है तो 30,000 लगता है कि 30,000 तक पहुंच जाएगा। फिर वहां से आपको एक बार नीचे फॉल की ओर आपको दिखाएगा जहां पे आपको, तो आपको अगर उस बाइंग पोजीशन में भी टाइमिंग जो पॉजिटिव मार्केट तो ऊपर की ओर भी दिखा रहा है, तो बाइंग पोजिशन पर रहिए, लेकिन 29200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर 29200 हिट होता है तो आपको फिर नीचे के पुट की पोजीशन बना लेनी है, इमीडिएट पुट की पोजीशन में चले जाना है, ना कि कॉल की पोजीशन में। अभी ऐसा है 29650 और वहाँ से फिर 29800 और फिर वहाँ से 30,000 की ओर, तीन ये लेवल हैं जहाँ ये जाते हुए आपको दिख सकता है रिजल्ट के बाद, रिजल्ट ओपिनियन पे। तो मोस्ट प्रोबेबली 23 के पहले मार्केट अपनी स्थिति में जा चुका होगा, जो कि लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बुलिश पैटर्न बनाते हुए आपको दिखाएगा। और जिस दिन रिजल्ट आएगा, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, व्यू है, ऐसा है लग रहा है कि ये आपको ऊपर की ओर पहले लेके जाएगा, जहाँ पे सबका पोजीशन कॉल की ओर बना देगा, और वापस जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन थोड़ी मोड़ी भी अगर बहुत मैंने एग्जैक्ट बहुमत के साथ तो आएगी नहीं, आएगी तो कंबाइन होकर के एनडीए आनी चाहिए, अगर वैसा कुछ भी हो या थोड़ा भी निगेटिव होता है तो वहाँ से आपको 1000 पॉइंट नीचे की ओर दिखाएगा। और अगर वहाँ से नीचे 1000 पॉइंट दिखाता है और 29,000 का लेवल तोड़ता है तो वो आपको अच्छा खासा आपको नीचे की ओर 28,000 का लेवल भी दिखा देगा। तो ऊपर साइड में मुझे नहीं लगता कि ये 30,000 ज़्यादा क्रॉस कर पाएगा, अभी ऐसा नहीं लग रहा है 30,000 क्रॉस कर सकता है। या मंडे के मार्केट में फिर से हम अपडेट ले लेंगे कि अगर ये क्रॉस कर जाता है एक ही दिन में इलेक्शन के बाद, तो मंडे को मोस्ट प्रोबेबली जो भी ये बनाएगा, मुझे लगता है कॉल साइड बनाना चाहिए, अपर साइड बनाना चाहिए। मैं पर्सनली उसको मानता हूँ कि उसके अपोजिट साइड में अपने को ट्रेड करना चाहिए, अपने को पोजीशन बनाना चाहिए। मार्केट के डायरेक्शन में आप बना करके अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पुट की जो वैल्यू नहीं बढ़ रही है, पुट की वैल्यू अगर 600 पॉइंट के बाद पुट की वैल्यू अगर गिर रही है, 100-150 पॉइंट गिर रही है, ये मेरे लिए बहुत ही थिंकिंग चीज़ है कि ऐसा पुट की ओर क्या रखा हुआ है कि लोग पुट की ओर नहीं निकलना चाह रहे और कॉल में पोजीशन बना ले रहे। इस तरह से अगर डेरिवेटिव पोजीशन पे जा करके मैं देखो, अगर और एक बार अगर मैं टेक्निकली इसको चार्ट इस पे भी देख लूँ, आपके परफॉर्मेंस पे देख लूँ, तो परफॉर्मेंस और उस पर टेक्निकल चार्ट पे यस बैंक को सेल बता रहा है, इंडसलैंड बैंक में न्यूट्रल है, बाकी सभी में अभी बाइंग बता रहा है अर्ली बेसिस पे। तो इस व्यू से भी लग रहा है कि मंडे की जो ओपनिंग होगी शायद आपको पॉजिटिव होते हुए दिखे, और आपको अगर डोजेंस भी अगर पॉजिटिव ही दिखा रहा है यहाँ पे 24-25 पॉइंट, इसका खैर खास इंपैक्ट नहीं होगा। कॉमोडिटी में अगर जा करके देखें तो कॉमोडिटी की वैल्यू भी देखेंगे ब्रेंट और क्रूड गिरते हुए दिख रहा है, ये भी एक पॉजिटिवनेस है मार्केट के लिए, ऑयल सेक्टर उठ सकते हैं। अगर मैं इसके फॉरेक्स की बात करूँ तो थोड़े से यहाँ पे मजबूत दिख रहा है यूएसडी डॉलर, तो ये मार्केट के निगेटिव है, कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं क्रूड जो बहुत अच्छा कॉमोडिटी जो बहुत अच्छा पोजिशन होल्ड करता है, डॉ जोसन की पोजिशन देख कर लग रही है कि मंडे को मार्केट आपको ओपनिंग ऊपर की ओर दे सकता है, 29650 29800 की ओर जाते हुए दिख सकता है। लेकिन मैं आप उसको वेट कीजिए, होल्ड कीजिए, न्यूज़ पे जाइए, अगर वो ऊपर जाता है तो आप जाने दीजिए, आपको पुट की ओर पोजीशन बनाने में ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, कॉल में नहीं रहना चाहिए। अगर मैं एट द मनी आज देखेंगे 23 मई की एक्सपायरी को देखें 29450 पे हुआ है और एट द मनी देखें 29400 पे, इनफैक्ट मैं सारे पोजीशन को देखूँ तो कहीं कोई पोजीशन हो ही नहीं रहा, बन ही नहीं रहा है। इनफैक्ट केवल 40400 को 30,000 के पे बना है, वो भी 140,000। तो आज के डेट में भी जबकि ऑलरेडी एक्सपायरी कल हो चुका था, कोई भी खास पोजीशन नहीं बना है, और लोग जो पोजीशन बना रहे हैं वो 28,000 के पुट पे बना रहे हैं जिसकी 245 की वैल्यू है,
या 30,000 के कॉल पे बना रहे हैं पोजीशन, जिसकी वैल्यू इसमें 500 है। तो दोनों के यहाँ 500 और वहाँ 200 है, तो लोग ऐसी वैल्यू बना रहे हैं कि अगर ऊपर की ओर गया तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा 30,000 का, और नीचे की ओर जाता है तो आपको कहीं ना कहीं 28,000 की ओर जो वैल्यू वो दे गए। तो आप भी चाहें तो ऐसी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि 28,000 के पुट को और 30,000 के कॉल को लें, लेकिन आपके पास रिस्क ट्रेडर हैं तो ही लें, पैसा डूब सकता है और एक वीक में कुछ नहीं हो जाएगा, एक वीक मार्केट को जिस डायरेक्शन में जाना हो चला ही जाएगा, उसके बाद आप शायद उसके बाद आप पॉजिटिव रह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये 30,500 के बाद अभी तुरंत 50,000 नहीं पहुंचेगा। तो ये भी एक चीज़ है जिससे लग रहा है मार्केट एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो आनी है आपको मई, इसलिए लग रहा है कि जिस दिन 23 तारीख को इलेक्शन अनाउंस होगा उसी दिन इवनिंग तक आपको ये मार्केट कहीं ना कहीं 28,000 तक जाते हुए आपको दिख सकता है। तो 28,000 पे जो पुट की बनी हुई है यहाँ पे 51,000 जो 82,000 का बन रहा और 1,33,000 का, तो ये एक अच्छा ही रिटर्न आपको 28,000 का पुट जो 245 पे है ये अच्छा दे सकता है रिटर्न। इनफैक्ट 29,000 के पुट को देखें जो कि 12,511, आप ये देखिए 29,000 का पुट जब ये चालू हुआ था मार्केट तो ये 28,800 पे था, 28,800 से जाकर के ये 29,450 पे क्लोजिंग देता है और 29,000 का पुट जो है सिर्फ 166 पॉइंट तोड़ता है। इस 500 पॉइंट के बावजूद भी ये सिर्फ 166 पॉइंट तोड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा चीज़ है। 193 पॉइंट तोड़ता है, 512 पे क्लोजिंग देता है। अगर इसको पूरे डिटेल में देखें तो आप 29,000 के पुट को देखें 23 मई 2019 का, तो आप देखेंगे ये लो था 512 का, लो पे क्लोजिंग दिया, हाई था 705 का, प्रीवियस क्लोज 705 था, हाई बनाया 775 का। ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो बाइंग में अभी भी 44,000 इसमें खड़े हैं और सेलिंग में सिर्फ 21,000, मीन्स अभी भी पुट को बाय करने वाले 29,000 ज़्यादा लोग खड़े हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 323% है। ये सबसे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट शायद अभी भी थोड़ा निगेटिव है, लोग निगेटिव लेके बैठे हैं, इसलिए ब्रोकर जो टॉप लेवल के लोग हैं वो इसको ऊपर लेके जा रहे हैं ताकि लोग डर के पुट की पोजीशन से बाहर निकलें, और वो होगा, अभी भी होगा, मंडे को भी हो सकता है कि वापस वो और पोजीशन बनाएं, और अगर लोग डरते हैं और शॉर्ट कवरिंग चालू होती है तो फिर 30,500 भी जा सकता है, क्योंकि लोग जो नीचे की ओर पोजीशन बनाए हुए हैं वो ज़्यादा है, और अगर उनको लगने लगा कि ये मार्केट ऊपर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं, और आप देखेंगे यहाँ कॉल की, और यहाँ पर अनवाइंड भी 28,800 पे दिख रहा है आपको, 28,800 पर अनवाइंडिंग की पोजीशन बन रही है, तो लोग लग रहा है कि नहीं अब ऊपर ही मार्केट जाएगा, जो मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है एक ड्रामाबाजी है, रिहर्सल है, फिर भी आप चाहें तो अभी ऊपर की ओर तो जाएगा। 28,200 एक बहुत ही क्रूशियल लेवल था जिसको इसने 29,200 को क्रॉस किया है, 29,200 को अगर क्रॉस किया है तो ये कहीं ना कहीं आपको 29,600 और फिर यहाँ से 29,800 और 900 की ओर जाते हुए दिखे, मीन्स 30,000 की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आज के डेट में अगर हैवी वॉल्यूम से देखें 1,40,000 का, तो यहीं पे एक बिग रेसिस्टेंस है आपको, 40,000 का आज ही क्रिएट हुआ है, तो कहीं ना कहीं 30,000 पे जाके इसको रेसिस्टेंस मिलेगा। बीच में कोई ऐसा लेबल नहीं दिख रहा है, ऐसी क्वांटिटी नहीं दिख रही है जहाँ पे इसको 29,500 पे थोड़ा मोड़ा हेजिटेशन है, 29,500 क्रॉस करते ही ये आपको सीधा 30,000 की ओर जाते हुए दिख रहा है। नीचे की ओर पोजीशन देखें तो आप देखेंगे 28,500 पे पहला अच्छा सपोर्ट है, मतलब अभी सीधा 28,500 के बाद ही सपोर्ट मिलेगा इसको, 28,500 से तोड़ता है तो 28,000। तो पुट में अगर पोजीशन की बात करें तो आपको पहला 29,000 पे अच्छा 98,00,000 का सपोर्ट है, फिर उसके बाद सीधा 28,500 और फिर 28,000, मीन्स 5,500 का गैप है। तो आप यही समझे कि आपको इसी तरह खेलना भी है, ऊपर भी 5,500 का गैप है, तो जो लेवल तोड़ेगा आपको उसके बाद 500 लेवल ऊपर चले जाना है। 28,000 तोड़ता है तो 28,500 ऊपर की ओर, 29,500 फिर 29,500 और 30,000। नीचे की ओर जाएं तो जस्ट रिवर्सल कर दे, 30,000 29,500 28,500 और इस तरह से अगर आप पोजीशन बनाएंगे तो आप दोनों साइड में रह सकते हैं, बना सकते हैं पोजीशन, खेल सकते हैं। नेक्स्ट वीक आपको शायद ऐसे ही पोजीशन देखने को मिलेगा, ऐसे ही खेल देखने को मिलेगा और 5,500 का पॉइंट खेला जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। आज जो 500 आपने देखा वो एक रिहर्सल था, हो सकता है कि पूरा वीक आपको ऐसे ही खेल दिखाएगा वो, तो मोस्ट वेली ठीक है। लेकिन जब मार्केट ऊपर की ओर जाए तो 30,000 बहुत, 30,500 इसके ऊपर जा करके मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग आनी है। सरकार किसी की भी आएगी इससे कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका होगा। मंडे को ही इलेक्शन के बाद आपको देखिएगा मार्केट, आपको हो सकता है रिजल्ट तो बाद में आएगा, आपको मंडे को ही मार्केट ओपिनियन पोल के अनुसार ऊपर दिखा देगा मार्केट। तो वहां के बाद आप देख रहे हैं कि पुट में सेलिंग नहीं हो रही है, तो उन सबों को ये बिलीव है पुट की वैल्यू जरूर गिर रही है। अच्छा आपके लिए है जो बाद में बाय करेंगे पुट को, क्योंकि उसकी वैल्यू जितनी गिरेगी वो आपके लिए उतने फायदेमंद हो जाएगी। आज देखें तो 2900 की वैल्यू आपको सिर्फ 600 रुपये में मिल रही है, जिसकी वैल्यू 900 रुपये हो रही थी। और ये कल मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको 29500 का जो अभी 700 पे मिल रहा है, वो कल 500 पॉइंट चढ़ेगा तो आपको ये 500 रुपये में मिलने लगेगा। तो 29500 का पुट अपर लेंगे 500 रुपये में, या 29000 का पुट जो यहाँ पे 300 रुपये में मिलेगा आपको वो लेंगे, तो आपके लिए कल के क्लोजिंग में फ़ायदा देखने को मिल सकता है कल क्लोजिंग तक। तो मार्केट जब ऊपर जाए 500 पॉइंट, तो अभी तो लग रहा है कल मंडे मार्केट ऊपर जाएगा तो आप ऊपर की पोजीशन में रह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑब्जर्व है कि पुट में जो हो रही है अनवाइंडिंग वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, पुट में कोई बहुत बड़ा ट्रेडिंग भी नहीं हो रहा है। 500 के लेवल के ऊपर पोजीशन कहीं ना कहीं वो बना रहे हैं, हर 500 के बाद पोजीशन बन रही है। ये एक देखने वाली चीज़ थी जो लगा मुझे आपको अपडेट करना चाहिए, इसलिए मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। अगर आपको लेवल बता दिया, आपको लेवल कहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो आपको लेवल 29 आपको यहाँ पे भी बताया कि आपको 29182 पे आपको सपोर्ट मिलता है, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस जरूर रख लें, ऊपर की ओर नहीं तो बने रहें 29200 के स्टॉप लॉस से। 30000 तक का चांसेस है, ऊपर जाता है तो 30000 तक जा सकता है, और तोड़ता है 29200 का तो 28000 तक जा सकता है। 5500 का पॉइंट होगा, 5500 का पॉइंट आप इसमें देख के नेक्स्ट वीक की तैयारी इलेक्शन की ऐसे आप कर सकते हैं। इलेक्शन के अंत आप इससे कोई मतलब नहीं होता मार्केट को किसकी सरकार बनने वाली है। जो भी होगा मंडे को आ जाएगा रिजल्ट, ओपिनियन पोल आ जाएगा, मार्केट चल लेगा जो चाल चलनी होगी। उसके बाद जिस दिन 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग मतलब अगर मार्केट बहुत नीचे चला गया, पुट की ओर सर लोग बना लिए पोजीशन, तो ऊपर चला जाएगा, और अगर ऊपर की ओर है सभी लोग तो नीचे की ओर चला जाएगा। मार्केट जस्ट उस दिन इलेक्शन के दिन 23 मई को उल्टा और रिवर्स काम करेगा। इनिशियल आप सोच रहे होंगे कि मार्केट के डायरेक्शन में काम करेगा, फिर भी मंडे पहले तो मंडे है तो मंडे वॉच कर लेते हैं। हो सकता है मैं आपको ट्यूसडे वेडनेसडे फिर से एक दे दूंगा अपडेट देख करके। तो मंडे के लिए मुझे लगता है कि अभी कॉल साइड में पोजीशन पेपर ट्रेडिंग करके आप देख सकते हैं, वॉच लिस्ट रख सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 29200 का, 29200 के स्टॉप लॉस से ही काम करें, और चाहें तो आप 29500 आप चाहें तो 29500 बहुत कम पैसा लगाना चाहते हैं तो 29500 का कॉल भी 750 में मिल रहा है। आप देखिए कितना कॉस्टली मिल रहा है, 30000 के कॉल भी 500 रुपये में मिल रहा है, तो 10000 रुपये लग रहा है। तो आपको जैसा लगे, इसलिए बोला बहुत कॉस्टली है गेम ये, फिर भी खेलना चाहते हैं तो रिस्की ट्रेडर तो खेल ही सकते हैं। तो वो 5500 पॉइंट ऊपर खेल रहे हैं, आप भी जाएं 5500 पॉइंट ऊपर खेलें, आप भी 29500 जैसे क्रॉस करता है तो आप 30000 के पोजीशन को ले लें। भले आपको कॉस्टली मिलेगा, लेकिन 500 की पोजीशन मिलने की चांसेस है, वहाँ पे मिल सकता है आपको। और अगर 29400 तोड़ के 29200 तोड़ता है, और 29 तोड़ता है स्पेशली, तो आपको तो मालूम 29 पे यहाँ पे सपोर्ट है, तो 29 तोड़ता है तो 28500 जाएगा। आप 5500 की पोजीशन खेलें ना, कहाँ प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा मोड़ा लॉस होगा लेकिन फिर से गेन आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे पुट पे अल्टीमेटली मुझे पूछे तो भले शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बता रहा हूँ मंडे के लिए कॉल की ओर है, लेकिन मुझे पुट पे लग रहा है कि जब इतनी अनवाइंडिंग नहीं हो रही है तो कहीं ना पुट पे लोग बहुत लोग पोजीशन बना के बैठे हैं। तो देखिए मार्केट मंडे को मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव है, और अल्टीमेटली प्रॉफिट बुकिंग आनी है, ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा। बस सिर्फ एक अपडेट देना था, मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है मार्केट के लिए। आप कोई भी ट्रेड करें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके पूछ के फिर करें, मेरे कहने पे सिर्फ लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत